मिनी ट्रैक्टर रेस। दूरू नाम के गांव में शर्मा नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रीचा। उनको इस बात की चिंता थी कि उनका कोई औलाद नहीं है। घर के बाहर खेल रहे बच्चों को देखकर वो खुश होते थे। वे दोनों उन बच्चों को खिलौने और मिठाई देकर बहुत खुश होते थे। एक दिन एक लड़का और लड़की स्कूल जाने के लिए इनके घर के सामने से गुजर रहे थे। लड़की को लंगड़ाते हुए देखकर, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? क्या हुआ, तुम यूं लंगड़ा क्यों रही हो? मेरा नाम मोनू है, ये मेरा भाई सोनू। मेरे पाँव में कांटा चुभा है, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है आंटी जी, पर स्कूल जाना होगा ना? और बेचारी, पर यूं तुम स्कूल पैदल क्यों जा रही हो बेटी? बस में जा सकते हो ना? बस में जाने के लिए पैसे भरने होंगे ना अंकल जी? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सिर्फ हम नहीं हैं अंकल जी, इस गांव के बहुत सारे बच्चे स्कूल पैदल ही जाते हैं। चलो मोनू, देर हो रही है, कहकर दोनों जाने लगे। अरे बेचारे बच्चे बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तब शर्मा सोच में पड़ गया। दिन रात मेहनत करके अपने लैब में उसने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया। बाद में उन दोनों बच्चों को बुलाकर, बेटे सोनू, अब से तुम्हें स्कूल पैदल जाने की जरूरत नहीं है, ये मिनी ट्रैक्टर तुम्हारे लिए है, तुम दोनों इसमें बैठकर स्कूल जाना, सिर्फ बैटरी को चार्ज करते रहो, बस। ऑल द बेस्ट बेटे। फिर सोनू मोनू उस ट्रैक्टर में बैठकर स्कूल चले गए। स्कूल में बाकी बच्चे इस ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो गए। अगले दिन बहुत सारे बच्चे शर्मा जी के घर पहुंचे। क्या बात है बच्चों, आप सब यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको? अंकल जी, आपने सोनू को एक ट्रैक्टर बना के दिया है ना, उसने हमें बताया, हमारे लिए भी बना के दीजिए ना प्लीज। उनकी तरह हम भी बहुत गरीब हैं अंकल जी, बस में जाने की हमारे हैसियत नहीं है अंकल जी। बेटे, उसे बनाने के लिए मुझे काफी वक्त लगा है और पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं बेटा, इतने सारे लोगों के लिए ट्रैक्टर बना के देना मुझसे नहीं होगा बेटे। अरे इतनी छोटी सी बच्ची मांग रही है और तुम उसे मना कर रहे हो, अरे जरा देखो तो सही, कितने प्यारे लगते हैं ये बच्चे, जैसे कागज का जीरोक्स निकालते हैं वैसे उस मिनी ट्रैक्टर का और कॉपी नहीं बना सकते क्या आप? अरे आप साइंटिस्ट हो ना, जरा सोचो। अरे वाओ, पता नहीं तुमने ऐसा क्यों बोला, पर तुमने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, साइंस की भाषा में इसे क्लोनिंग कहते हैं। यस, क्लोनिंग के तरीके से बहुत ही कम खर्चे में बहुत सारे ट्रैक्टर बना सकता हूँ मैं। इस तरह सोनू के ट्रैक्टर को लेकर क्लोनिंग पद्धति से बहुत सारे ट्रैक्टर्स उसने अपने लैब में बनाए। उन सबको लाकर उन सब बच्चों को एक एक ट्रैक्टर दे दिया। बच्चों, इसमें बैठकर आराम से स्कूल जाकर अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ना, इसे खेलने के लिए इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई को खराब ना करना बेटा, ठीक है? फिर सब बच्चे उन ट्रैक्टरों में बैठकर अपने अपने घर चले गए। उसी स्कूल में पढ़ रहे धनवान का बेटा ऋषभ की नजर उन ट्रैक्टरों पर पड़ी। अगले दिन वो गरीब बनकर शर्मा जी से मिला। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने सुना कि आप गरीब बच्चों का ही सहायता करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं है सर, मुझे भी एक ट्रैक्टर बना के दीजिए ना सर। उसकी बात पर यकीन कर शर्मा जी ने एक ट्रैक्टर उसे भी बना कर दिया। उस ट्रैक्टर में बैठकर स्कूल पहुँचा। फिर अपने दोस्तों से, डियर फ्रेंड्स, इस ट्रैक्टर में बैठ के हर रोज स्कूल पहुँचे तो क्या मजा है, अरे इसका रेस लगाए तो मजा ही कुछ और है। अरे अगर शर्मा जी को ये बात पता चल गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, ऊपर से रेस का मतलब खतरा है, चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। अरे खतरों का सामना करने में ही तो मजा है, ये बात शर्मा जी को ही नहीं गांव में किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए, गांव के बाहर रेस लगाएंगे और मजा करते हैं, वो सोनू और उसके बहन है ना, वो शर्मा जी के काफी करीब हैं, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलना चाहिए। ये
यूं सब बच्चे गांव के बाहर रेस लगाते हुए मौज उड़ाने लगे। वे हर रोज स्कूल ना जाकर रेस लगाने लगे। कुछ बच्चे रेस लगाते हुए गिरे और उन्हें चोट भी लगी। स्कूल में टीचर, अरे सोनू तुम अकेले क्लास में बैठे हो, क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं टीचर जी, पता नहीं वो आजकल जाते कहाँ हैं? आजकल सब गायब हो रहे हैं। एक बार उन बच्चों को रेस लगाते हुए सोनू और मोनू ने देख लिया। वे दोनों तुरंत शर्मा जी के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। अगले दिन ऋषभ और बाकी बच्चे रेस लगाते हुए तफरी करने लगे। तभी अचानक उन सब के ट्रैक्टर बंद हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की पर ट्रैक्टर टस से मस नहीं हुए। अरे ये क्या, अचानक ट्रैक्टर यूँ बंद क्यों हो गए? बैटरी तो फुल चार्ज में है पर ट्रैक्टर आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अरे हाँ यार, क्या हुआ समझ में नहीं आता। यूँ सब बच्चे अपने अपने ट्रैक्टर देखने लगे। तभी शर्मा जी, टीचर और सोनू मोनू वहाँ पहुँचे। क्यों बच्चों, मैंने क्या कहा था और तुम लोग कर क्या रहे हो? अब मैंने तुम्हें गाड़ी तैयार करके दिया, क्या मैं उसे बंद करना नहीं जानता? तुम सबके ट्रैक्टरों के रिमोट ये देखो मेरे पास है। क्यों बेटे ऋषभ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो झूठ बोला कि तुम गरीब हो और ट्रैक्टर ले लिया, ऊपर से तुम इन सबको भड़का कर रेस लगाना चाहते हो। इडियट, अब से तुम में से किसी को भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। अब से जो भी पढ़ाई में फर्स्ट रैंक लाएगा उसे ही ट्रैक्टर मिलेगा। यूं सब बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ने लगे, एग्जाम्स बड़े मन लगाकर लिखने लगे। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आते थे शर्मा जी उन्हें ही ट्रैक्टर देते थे। बाद में ऋषभ ने भी अच्छे मार्क्स लिए और शर्मा जी से ट्रैक्टर इनाम में पाया।